कहाँ गया वो आदमी? यही तो था, हमें तो दिखने में भी ठीक नहीं लग रहा था, वो गया कहाँ? वो अरे ये विचित्र सा धागा धरती में क्यों जा रहा है? क्या हो गया बेटा? पानी फिर चाहिए क्या? हैं? लगता है इस लड़के को शक हो गया, चलो समाप्त कर देते हैं इसे। क्यों क्यों इतना परेशान हो रहे हो खुंदा? अरे कौन देगा इस मामूली बच्चे की बात पे ध्यान? देख रहे हो, सामने देखो, सब कुश्ती के मुकाबले में डूबे हुए हैं। अगली प्रतिस्पर्धा है कुश्ती की, यदि आप दोनों पहलवानों में से कोई गिरा तो उसे उठकर लड़ने के लिए 5 तक की गिनती का समय दिया जाएगा। यदि इस बीच आप ना उठ पाए तो आपके विरोधी को विजेता घोषित कर दिया जाएगा। आरंभ किया जाए। प्रश्न चिन्ह लगाने आई है? और प्रताप की एक असफलता का आप इतना फायदा उठाना चाहती हैं? इतनी छोटी सोच है आपकी। मुझे जल्दी रावत जी से मिलना है। क्यों क्यों मिलना उनसे? वहाँ एक आदमी संदिग्ध लग रहा है, उसने धरती के अंदर कुछ गाड़ा है। मुझे कुश्ती देखने दो, अभी बस 2 ही चक्र बचे हैं। पर सैनिक जी आप तो चलकर देखिए।
नहीं। गिनती आरंभ करो। ए दो तीन ये शरीर शारीरिक क्षमताएं ऊर्जा थकान ये सब महत्वहीन है। आपकी आत्मा में जो योद्धा है वह है महत्वपूर्ण। आपको मेवाड़ के भविष्य को अपनी मातृभूमि पर छाए निराशा के अंधकार को जगमगाना। चार चाहे युद्ध हो चाहे कोई प्रतियोगिता, राजपूत पीछे हटना नहीं जानता, राजपूत हारना नहीं जानता। प्रतियोगिता में शक्ति को हराकर अपने गुरु, अपने दाजीराज और मेवाड़ की प्रजा को प्रसन्न करें। युद्ध क्षेत्र में आपके जो विरुद्ध है उसे आपको हराना है। दूसरा कोई भाव मन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि रण में अगर आपने विरोधी को नहीं कुचला तो वो आपको कुचल दे। शक्ति को जीतने दे, कहिए ना जीजा, कहिए ना। सच्चा बहना, हम स्वयं किसी एक का पक्ष नहीं ले रहे। हाँ जीजा। ठीक तो है ना भाई शक्ति, कहीं ज्यादा चोट तो नहीं आया आपको? अपनी सहानुभूति किसी और के लिए बचा कर रखो दादा भाई। शक्ति सिंह को किसी की भी सहानुभूति की आवश्यकता नहीं। बोलिए मत, अभी ध्वनि भेदन बाकी है और हम इसमें सब पर भारी पड़ते हैं, आप पे भी दादा भाई। देख, मैं तेरे कहने पर अच्छी खासी प्रतियोगिता का आनंद छोड़ के चल रहा हूँ। मुझे कुछ न कुछ गड़बड़ मिलनी ही चाहिए, नहीं तो देख लेना। अरे मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? अंतिम प्रतिस्पर्धा है ध्वनि भेदन।
अपने अनेकों बार सफलतापूर्वक इसका अभ्यास किया है। आज यहां आपके लिए परिस्थितियां बदली जाएंगी। आपको आंखों से पट्टी हटाए बिना अपने विरोधी को हराना है। उसके पश्चात अब ध्वज स्तंभ से मेवाड़ का ध्वज लेके मुख्य चक्र में लौटेंगे। यदि इस बीच आपकी तलवार गिरी तो तलवार उठाए बिना आपको आगे बढ़ने की अनुमति नहीं मिलेगी। अब आपको कठिनाइयों का बोध करा देते हैं। आरंभ में आपको ध्वज स्तंभ की दिशा का भान होगा, किंतु एक दूसरे को हराने में दिशा का भान छूटता जाएगा, क्योंकि प्रतियोगिता के विजेता के लिए पुरस्कार विशेष है, तो कठिनाइयां भी विशेष ही होनी चाहिए। अब देखते हैं आप में से कौन अपने विरोधी को पछाड़ के ध्वज स्तंभ से मेवाड़ का ध्वज लेके लौटेगा। मैंने आपसे कहा था ना, पीछे हटो, पीछे हटो। बकरी, ये तो बहुत बड़ा धोखा हो गया मुझसे। मूर्ख हो मूर्ख, बिना बात के मेरा समय बिगाड़ा। दोबारा ऐसी गलती की ना बहुत मारूंगा। देखा कैसा मुंह हो गया था लड़के का। हमारा खेल बिगाड़ेगा, हमने तुझे को बेवकूफ बना दिया, बकरी का बच्चा बना दिया। अब कुछ भी देर में मेवाड़ का मुस्तकबिल धड़ाम धूम होने वाला है। आंख पे पट्टी बांध के आगे बढ़ रहे हैं मेवाड़ के बाहुजी राज प्रताप। लेकिन झंडा लेने के बाद प्रताप को मेवाड़ की प्रजा के सामने अपनी गद्दी का वारिस कैसे बनाएगा महाराणा उदय सिंह, क्योंकि खेल तो सारा पहले ही खत्म हो जाएगा। Thank you.
प्रताप आगे बढ़ो, अब मेवाड़ का भविष्य आपसे दूर है। आगे बढ़ो और थाम लो मेवाड़ के ध्वज को। देखिए, मुझे लग रहा है यहाँ कुछ गड़बड़ है, जरूर कुछ बुरा होने वाला है। क्या बुरा होने वाला है? जहाँ चप्पे चप्पे पे सैनिक तैनात, क्या बुरा होगा? बात तो सुनिए, हर मुरख की बात सुने हम। बंधु, एक पागल लड़का है, पागल मूर्ख बस यूं ही तनाव बना रहा है। चलिए भाग, भाग। पर आप लोग मेरी बात तो सुनिए। तो शहजादे प्रताप कुछ ही देर में झंडे तक पहुंच जाएंगे, है ना? और बिल्कुल जी, ये लड़का वहां पर क्या कर रहा है? सैनिको, रोको उस लड़के को! ये बेवकूफ क्या कर रहा है? शहजादे प्रताप, कब से इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा।